ज थैंक यू फॉर टेलिंग टू माई चैनल होप सू ऑल आर डूइंग ग्रेट सो दिस वीडियो इज अबाउट द बंगाली लुक विच हैटेड सो मूव टू द वीडियो सो यहाँ पे मैंने प्राइमर की जगह आइस क्यूब करा है इसको ऑल ओवर द फेस रब करा है अच्छे से फिर मैंने इसको विद द हेल्प ऑफ हैंड मसाज करा प्रॉपर्ली और वेट कराया जब तक ये ड्राई ना हो जाए देन यहाँ पे मैंने यूज करा है मेब्लिन फिटमे फाउंडेशन और इसको मैंने डॉटेड फॉर्म में ऑल ओवर द फेस अप्लाई करा है सो so, जब भी आप डॉटेड फॉर्म में फाउंडेशन अप्लाई करते तो ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है बिल्कुल भी क्रैकी नहीं दिखता विद द हेल्प ऑफ फ्लफी ब्रश मैंने इसको ऑल ओवर द फेस ब्लेंड कर दिया है जिससे मेरे एक परफेक्ट बेस क्रिएट हो जाए देन यहाँ पे मैंने यूज़ करा है मेबलिन का कंसीलर अंडर माई आईज टिप ऑफ माई नोज मिड ऑफ माई फोरहेड चिन में जो भी एरियाज मुझे थोड़े हाईलाइटिंग दिखाने वहाँ पे मैंने ये कंसीलर अप्लाई कर दिया है देन विथ द हेल्प ऑफ अ वेट ब्लेंडर मैंने इसे टेपिड फॉर्म में ब्लेंड कर दिया है मेरी जो आउटफिट है वो रेड ग्रीन येलो कलर की कॉम्बिनेशन में सो so यहाँ पे मैंने आई शेडो पहले से रेड कलर लिया है और देन मैंने इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड करा अपने क्रीच एरिया में अपर आईलेड में देन मैंने इसे सेकेंड स्ट्रॉक में फाइनली अप्लाई करा है पूरे आई क्रीच आईलेड में एंड देन बहुत अच्छे से ब्लेंड करते हुए फाइनल टच दिया है मेन कंस्ट्रेशन यहाँ पे मेरा ब्लेंडिंग में सो दिस इज़ द लुक देन यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का आई शेडो पिक कर रहा है अपने आउटर वी के लिए और उसे बहुत अच्छे से ब्लेंड करते हुए आउटर वी में लगाए बस ये जो मेरा आई शेड मैं उसे आउटर वी में ही लगाऊंगी देन यहाँ पे मैंने दूसरा आई मेकअप कंप्लीट करते हुए और अपने आउटफिट चेंज करके आ गई हूँ देन मैंने यहाँ पे मेबलिंग के न्यूट पैलेट से ब्राउन कलर का आई अप्लाई करा है अपने ब्रोज़ को फिल करने के लिए विद द हेल्प ऑफ आई ब्रश एंड देन मैंने स्पली के हेल्प से एक डायरेक्शन में से मूव ऑन करा है देन यहाँ पे मैंने यूज़ कराई डी आई वाई ब्रश इसकी डिटेल्ड वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं सो so, यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग करूँगी विद द सेम फ्लफी ब्रश बस यहाँ पे मैं जो ब्रश है वो आगे से पकड़ूँगी क्योंकि जो भी डी आई वाई होता है तो उन्हें थोड़ा ब्लेंडिंग करने में प्रॉब्लम आती है बट ये केमिकल फ्री होता है सो so, ये हार्श नहीं होता आपके स्किन में देन यहाँ पे मैं ब्लू हेवन का आई लाइनर लगाऊँगी बहुत बेसिक सा आईलाइनर लगाऊंगी मैं सो so, मैं सेम पैटर्न फॉलो करूंगी दूसरी आईज में आई लाइनर अप्लाई करने के लिए बिकॉज बंगाली लुक इज इंकम्प्लीट विदाउट आईलाइनर सो so, यहाँ पे मैंने एलिमिनेटर यूज़ करा है अपने चिक बोन में अप्लाई करने के लिए अपने आई बोन में अप्लाई करने के लिए क्यूपिड बोन में अप्लाई करने के लिए ऑल ओवर माय फेस डॉटेड फॉर्म में जो मेन मेन हाइलाइटिंग पॉइंट्स है वहाँ पे मैं इसे अप्लाई करूंगी अदर विद द हेल्प ऑफ अ फैन ब्रश मैं इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूँगी और जो भी रिमेनिंग मेरा हाईलाइटर होगा उसको मैं ऑल ओवर अपने फेस में रब कर दूँगी जिससे पूरे फेस में एक थोड़ा थोड़ा हाईलाइटिंग साफेक्ट आए दैन मैंने यहाँ पे सेम लाइनर है की हेल्प से लोअर आई में हाफ आई में भी एक लाइनर इन द फॉर्म ऑफ काजल ड्रॉ करा है देन यहाँ पे आई लैश कर्लर है की हेल्प से मैंने हाफ ऑफ पोर्शन लेके फॉर वन सेकेंड अपने लैशेज कर्ल करी है उसके बाद मैं यहाँ पे मस्कारा यूज करूँगी विच इज़ अ मेवलिंग कोलोसल यहाँ पे मैंने दो लिप शेड मिक्स करके एक लिप शेड क्रिएट करा है विच इज ऑफ फ्यूशाना पिंक एंड हाफ़ एंड हाफ रेड कलर को मैंने मिक्स करा है अपर लिप्स में मैंने यहाँ पे फ्यूशाना पिंक लगाया है एंड लोअर लिप्स में यहाँ पे हाफ एंड हाफ का रेड शेड लगाया है जिससे मुझे एक पिंकि रेडिस से टिंट मिले सो गाइज दिस लुक इज़ इनकम्प्लीट विदाउट अ बिग बिंदी एंड ईयरिंग ये लुक क्रिएट करने का मेरा एक मोटिव था वो आपको पता चलेगा इफ़ यू फॉलो मी ऑन इंस्टा सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टा आई डी का लिंक है और स्क्रीन uh, पर भी शो हो जाएगा आपको इंस्टा आई डी का हैंडल बाय बाय टाटा टेक केयर एंड कमेंट लाइक एंड शेयर इफ़ यू लाइक इट